अगर आप आज के टाइम पे एक कीपैड फोन ढूंढ रहे हो ना, तो पहली बात तो ढूंढ क्यों रहे हो मेरे को ये बता दो। बाकी ठीक है यार, अगर आप फिर भी कीपैड फोन ढूंढ रहे हो तो नोकिया 3310 एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एंड बिल्ड बहुत ही सही है और मेरे को डिज़ाइन भी काफ़ी मस्त सा लगा। ऑल दो अगर आप है ना यार आज के टाइम पे कोई मजबूरी नहीं है या फिर मतलब ज़रूरत नहीं है तो मेरे हिसाब से कीपैड लेने का कोई मतलब बनता नहीं है। ऑल दो अगर आपको चाहिए है तो फिर मैं आपको बताने ही वाला हूँ। नोकिया 3310 की वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं, बट उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है अभी तक तो आप लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब तो यार डेफिनेटली कर देना। बाकी सबसे पहले बात करते हैं हम इनबॉक्स कंटेंट की। सबसे पहले तो आपको देखने को मिलेगा फोन के साथ मिलेगी एयरफोन और एयरफोन के साथ साथ आपको देखने को मिलेगी बैटरी। 1200 mAh की बैटरी है जो कि मोर देन इनफ है, एक हफ्ते से ज्यादा आराम से निकल जाने वाला है। माइक्रो यूएसबी चार्जर देखने को मिलेगा एंड क्विक स्टार्ट गाइड वगैरह मिलेगी। और ये जो नोकिया 3310 है ना भाई, काफी सारे डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है, सो आप अमेजोन से बाय कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां से आप बाय कर सकते हो। आपको काफ़ी सारे कलर्स इसमें देखने को मिल जाएंगे, जैसे रेड, ग्रीन, ग्रे या फिर आप वाइट भी लेना चाहते हो तो ये सब आपको कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। अब इसमें आप दो सिम का यूज़ कर सकते हो, दोनों ही माइक्रो सिम होंगी और 2G होंगी डेफिनेटली। उसी के साथ 32 GB तक का आप मेमोरी कार्ड लगा के इसकी स्टोरेज एक्सपेंड कर सकते हो। अरे रुक जा यार, तो रुक जा, सब्सक्राइब कर देंगे यार, कर दोगे ना गाइज? अरे मेरे को पता है आप गाइज कर दोगे सब्सक्राइब। ये कौन है? अरे अगली वीडियो में बताते हैं, ये ऐसे ही है। वीडियो कंटिन्यू करते हैं। 2.4 इंच की डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी, उसी के साथ आपको टॉप की तरफ चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगा, बॉटम में 3.5 mm जैक आपको देखने को मिलने वाला है। उसी के साथ साथ आपको बैक में स्पीकर्स देखने को मिलेंगे, 2 MP का कैमरा विद फ्लैश मिलेगा और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसमें 12 लैंग्वेज का सपोर्ट है इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश। सो इंडिया में जितनी भी मतलब मेन 12 लैंग्वेज हैं वो आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। काफ़ी लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि आप कितने इसमें कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हैं, तो आप इसमें 2000 कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हैं। इसमें आपको मैनुअल कॉल रिकॉर्डिंग का भी फीचर देखने को मिलेगा, जो कि सही है क्योंकि ऑटो तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। वॉइस रिकॉर्डर, FM वाले मतलब जितने भी बेसिक टास्क रहते हैं ना जो आप परफॉर्म कर सकते हो कीपैड फोन में, वो सारे आप इसमें परफॉर्म कर सकते हो। बाकी ओपेरा मिनी, फाइल मैनेजर वगैरह देखने को मिलेगा। ओपेरा मिनी तो आपको पता ही है यार, ऐसा आप यूज़ कुछ कर नहीं सकते। बाकी इमरजेंसी का कुछ नहीं पता, कभी भी कोई भी चीज़ काम आ जाती है तो किसी भी चीज़ को अंडर एस्टिमेट मत करो, ओपेरा मिनी भी काम आ सकता है भाई कभी इमरजेंसी हुई तो। ऑल द 2G नेटवर्क है, ऐसा कुछ काम आने वाला नहीं है, बट पता भी नहीं है भाई। फाइनली नोकिया का स्नेक गेम देखने को मिलने वाला है, एंड स्नेक गेम के लिए मतलब हो सकता है भाई आपने खेला बचपन में, आपका दोबारा से नॉस्टैल्जिक फील करने का मन हो, बोल दो, बट मैं तो शायद नहीं इतना इंटरेस्टेड हूँ खेलने में से। बाकी प्राइस की बात करें तो 3,799 रुपये में आपको अमेजोन पे मिलने वाला है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप बाय कर सकते हो। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो फ़ोन है भाई काफ़ी ज़्यादा महंगा है। अब भाई अगर आप नोकिया फैन हो और कीपैड फोन ही लेना चाहते हो, नोकिया 3310 ही चाहिए, डेफिनेटली भाई तगड़ा फोन है, कोई दिक्कत आपको ऐसा चाहने वाली है नहीं। बट अगर आप इसी में जाओगे ना तो आप आईकॉल का K333 है, ब्लैक जोन आ गया या फिर जियो फोन वगैरह, काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, प्राइस भी थोड़ा बहुत कम ही मिल जाएगा, जैसे जियो फोन का इससे कम है प्राइस, वो आईकॉल वाला है जो लगभग सेम सा ही प्राइस है और ब्लैक जोन भी आसपास का ही है, मतलब बढ़िया फोन आपको मिल सकते हैं कीपैड में। बाकी अगर नोकिया का ही चाहिए तो नोकिया 105 आप ले सकते हो, जिसकी प्राइस सिर्फ 1200 रुपये, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। एंड स्टिल वो एक अच्छा ऑप्शन लगा मेरे को इससे तो ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा पैसा ज़्यादा ले रहे हैं एंड एज सच यार वो कीपैड ही है, क्या ये एक्सपेक्ट कर लें हम, है ना? लाइक प्राइस ज़्यादा भी दे दो कम भी दे दो, एज सच तो कुछ अलग या एक्स्ट्रा तो आ जाने वाला नहीं है।